सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। आपने ऐसे ही डंडा सनाह की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर देंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद पहले मध्यम गति से करें और फिर इसे आप ऐसे तीव्रता से भी कर सकते हैं। इस बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ऐसे ही से 2 से 3 बार कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाना है और अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठना है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लें। सबसे पहले आप वज्रासना को प्रैक्टिस करें। जब आप वज्रासना को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तभी आप सुप्त वज्रासना को कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखें और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में अपने नीचे से एक तकिया रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं और या फिर अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे स्पेस रख लें, ऐसे स्पेस रख लें, जितना स्पेस कर सकते हैं उतना स्पेस कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपनी हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए 5 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ करें। ऐसे वेरिएशन के साथ भी इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की हर एक नसों, नाड़ी, मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। या फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लें और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने सिर को मोड़ लें, ऐसे अपने दोनों हाथों पर को नाभि केंद्र पर रखते हुए कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर सिर। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन, सबसे पहले ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के नीचे से रखें और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकंड तक रुके हैं। वहां से अंदर भरते हुए सीधे फिर दूसरी साइड से। वहां से अंदर भरते हुए ऊपर, वहां छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने ऐसे घुटने से मोड़ लें। ऐसे अर्ध वज्रासना की पोजीशन पर आते हैं और दूसरे पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने तलवों के नीचे से रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके हैं।
फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करते हुए छत्तीस सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर नीचे ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप चार से पांच बार कीजिए।